बच्चों बोर्ड पर ध्यान दो, ये निशान किसका बना हुआ है? जोड़ का। तो जब ये निशान इस तरह से संख्याओं के बीच में होता है तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए जब आपका मोबाइल से हमने आकलन किया था तो आपको पहले तो वाक्य पढ़ने के लिए आए थे, चार वाक्य आए थे। उसके बाद इसी तरह से सवाल आए हैं उसमें, जिनको हमें जोड़ना था और घटाना भी था। अभी हमें सिर्फ जोड़ना सीखना है। तो जब हम मोबाइल से आकलन करते हैं तो हमारे पास न तो कॉपी होती है और ना ही पेन होता है कि हम उसमें लाइन कर लें और उन्हें जोड़ लें। हमारे पास अगर कुछ होता है तो अपना दिमाग होता है और क्या होता है? हाथ होता है, और हाथ में उंगलियां हैं, तो हमें उंगलियों से जोड़ना सीखना है आज। ठीक है, तो देखो उंगलियों में कैसे सीखेंगे, ध्यान दो। हमारी ये जो उंगलियां हैं इनमें ये खाने बने हुए हैं, एक एक उंगली में तीन तीन खाने बने हैं, और अंगूठे में कितने खाने बने हैं? दो। तो ऐसे एक हाथ में जो है ना 15 खाने बने हुए हैं। कितने बने हैं? 15। इन्हीं 15 खानों से हम अपने ये छोटे छोटे सवाल लगाएंगे। समझ में आया? यस मैम। चलिए तो हम पहला सवाल लगाएंगे, ये कितने हैं? 7। और ये कितने हैं? 2। दो। तो देखो हम अपनी उंगली के जो खाने हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो गिनेंगे। जैसे इस सवाल में एक तो 7 है और दूसरा 2 है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 7 है या 2 है? 2। दो। तो दो खाने गिनते हैं, एक और दो। ठीक है, अब 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। तो चलिए हम यहाँ पर देखो पहले पढ़ेंगे 8 8 और 9। नो। तो इस तरह से 7 और 2 कितने हो गए? 9। एक बार फिर से समझ लो कि 7 है और 2 है, तो हमने क्या किया कि दो अंक को अपनी उंगली पे गिना, एक और दो। फिर उसके बाद 7 के बाद कितना आता है वो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 8 9। तो इस तरह से कितने हो गए? 9। यहाँ हमने लिख दिया 9, यानी 7 और 2 को जोड़कर कितना हो गया? 9। ऐसे ही देखिए 6 और 0 0 6 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। क्यों होगा? क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, शून्य। शून्य। तो 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, कितना भी अंक हो, अगर उसको 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही अंक लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 6। आगे तीसरा सवाल आपका आता है 9 और 8। तो हम यहाँ पर कितने अंक गिनेंगे? 1 सेकंड, गिनो मत, आप बताओ। हमने बताया था जो छोटा अंक होगा उसको उंगलियों पे गिनेंगे, 8 गिनेंगे। चलिए 8 गिनते हैं, हमारे हाथ में गिनना है। आप अपने में जब आप सवाल करो तब गिन के देखना, अभी हम गिन रहे हैं ना तो ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए, यहीं पर उंगली रखना है, यहीं पर हटाना नहीं है। अब उसमें देखो कौन से डिजिट है, नंबर कौन सा है? 9। 9 के आगे क्या आता है? 10। तो हम 10 से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 कितना हो गया? 17। तो 9 और 8 कितने हो गए? 17। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं।
No. क्या इसको अभी आपको उंगलियों पे गिनने की जरूरत है? आठ और एक, अगर आप गिनना चाहो तो गिन लो, आठ के बाद एक ही तो गिनना है, तो आठ के बाद क्या आता है? नौ। नौ हो गया ना, चलिए नौ आगे देखो। तीन और कितना है? चार। चार, तो आप अपनी उंगलियों पर कितना गिनोगे? कितना गिनोगे? तीन गिनोगे। तीन गिन लो, एक दो तीन, तो चार के बाद कितना आता है? पाँच, छ, सात, कितना हो गया? सात। यहाँ कितना लिखोगे? सात। आगे देखो, दो दो और पाँच, तो आप उंगलियों पर कितना गिनोगे? दो। दो, आप चाहो तो ऐसे गिन सकते हो, वरना पाँच तक की संख्या को ऐसे उंगलियों पे ऐसे भी गिन सकते हो। गिन सकते हो यूं यूं यूं, कैसे? जैसे दो गिनना है तो एक दो, दो उंगली हो गई कि नहीं? और ये कितने हैं? पाँच। अब पाँच के आगे गिनोगे तो कितना होगा? छह और सात, तो कितने होंगे? पाँच और दो सात। सात, चलिए अब सात और एक कितने हो गए? आठ। किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो उसकी अगली वाली संख्या हो जाएगी। सात में एक जोड़ेंगे तो आठ, और नौ में एक जोड़ेंगे तो दस, दस, दो में एक जोड़ेंगे तो दो में एक जोड़ेंगे तो कितना हुआ? तीन। चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच। छह में एक जोड़ेंगे तो सात। एक में एक जोड़ेंगे तो दो। शाबाश, चलिए सात में एक जोड़ा तो कितना हो गया? आठ। छह और तीन, तो हम उंगलियों पर कितने गिनेंगे? तीन। चलिए तीन गिनते हैं, एक दो तीन, दो तीन, और ये कितने हैं? छह। तो छह के बाद क्या आता है? सात। आठ। 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 नौ। कितने हो गए? नौ। ये कितना है? नौ। और ये कितना है? चार। ये सिर रख के कौन लेटा हुआ बच्चा? दिव्यांशु। सीखना नहीं है बेटा आपको, हैं? सिर रख के लेटे हुए हो अभी सुबह सुबह ही, कोई दिक्कत है? बताओ दिव्यांशु बेटा, कोई दिक्कत हो रही? तो फिर ऐसे सिर रख के लेटे हुए हो आप। चलिए नौ और चार, तो चार में बताओ, सॉरी, तो आपको उंगलियों पे कौन सी संख्या गिननी है? चार। चार, चलिए चार। अभी तो हमारे पास, मैंने बोला था पांच तक क्या करना है, यूं करके ऐसे करके गिनना है, ठीक है? तो एक, एक दो, दो तीन, तीन चार, चार हो गया चार। और ये कितना है? नौ। और नौ के बाद क्या आता है? दस। दस, ग्यारह, बारह, तेरह, तो कितने हो गए? तेरह। तो नौ और चार कितने हुए? तेरह। तेरह। अब देखिए ये कितना है? छह। और ये दो। उंगलियों पर कितना गिनना है? दो। छह के बाद कितना होता है? सात। तो सात, सात और आठ, आठ, तो छह और दो कितने हो गए? आठ। ये कितना है? सात। ये कितना है? छह। अब छह, तो ये उंगलियां छह तो है नहीं है क्या? तो अब हम किस में गिनेंगे? ये खाने, एक दो तीन चार पाँच छह, ये दो उंगलियों में छह खाने हो गए, ठीक है? और ये कितना है? सात। सात के बाद क्या आता है? आठ। आठ से गिनना शुरू करेंगे, आठ, आठ, नौ, दो, दस, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, तेरह, तो सात और छह कितने हो गए? तेरह। ठीक है, ये कितने हैं? पाँच। और ये दो। उंगलियों पर कितने गिनेंगे? दो। पाँच के बाद कितना आता है? छह। तो छह छह और सात, पाँच और दो कितने हो गए?
नीचे कितने हैं? दो। बात तो एक ही है, पांच और दो जोड़ो या दो और पांच जोड़ो, कितने होंगे? सात। कितने होंगे बताओ? सात। तीन और दो? पांच। पांच। दो और तीन, तो एक दो तीन चार पांच, कितने हो गए? पांच। चार। ये कितने हैं? छह। ये कितने हैं? तीन। तो हम उंगलियों पे गिनते हैं? छह। तीन। तीन। और ये कितने हैं? छह। छह के बाद क्या आता है? सात। 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 आठ। आठ। नौ। नौ। कितने हो गए? नौ। ये कितने हैं? पांच। चार। चार। तो पांच और चार जोड़ेंगे, ठीक है? तो पहले उंगलियों पे कितने जोड़ेंगे? चार। एक दो तीन चार। चार। और ये कितने हैं? पांच। तो पांच के आगे क्या आता है? सात। छह। एक मिनट, पांच के आगे क्या आता है? छह। तो छह से गिनना शुरू करेंगे। छह। छह। सात। सात। आठ। आठ। नौ। नौ। तो पांच और चार कितने हो गए? नौ। ये कितने हैं? सात। सात। और ये कितने हैं? तीन। उंगलियां तीन उंगलियों पे गिनेंगे, उंगलियों पे कितना गिनेंगे? तीन। और सात के बाद कितना आता है? आठ। तो आठ से गिनना शुरू करेंगे। आठ। नौ। दस। कितने हो गए? दस। सात और तीन कितने हो गए? दस। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? दस। ये सवाल हो गए आपके। अब मुझे ये बताओ, इन सवालों को हम मिटाल देंगे, जो हमने ऐड किए हैं अभी हम मिटाल देंगे, तो कौन बच्चा आएगा यहाँ पर और करके दिखाएगा? मैम। अविनाश, आप नहीं कर पाओगे? शिवाना कर लोगी? कौन कौन बच्चे कर लेंगे बताओ? मार्कर से राइटिंग किसका अच्छा है, कौन चला लेगा? वो बच्चा है, शिवान्या चला लेगी? आ जाओ, ये हम मिटाल देंगे। अभी रुको एक सेकेंड, ये लो आप मिटाल।